हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर ऑड वन आउट का पार्ट थ्री। ऑड वन आउट चैप्टर जो है हमारी रीजनिंग सेक्शन का एक पार्ट है, जिसका पार्ट थ्री हम आज करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। पार्ट वन और पार्ट टू में मैं आपको ऑड वन आउट अल्फ़ाबेट बेस्ड और वर्ड बेस्ड चीज़ों पर करा चुका हूँ, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स यानी जो मैथमेटिक्स में हम नंबर्स यूज़ करते हैं वो। आज का जो टॉपिक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की जब भी बात चलेगी तो लॉजिकल ऑपरेशंस ये चार ही यूज़ होंगे जो हम हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सेकेंड चीज़, हमें प्रायोरिटी देखनी है। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई नंबर आएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर का डिफरेंस निकालने का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज़ मैं आपको ऑड वन आउट सीरीज़ के पार्ट वन में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स बचते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। थर्ड चीज़ आ गई, हमें स्क्वेयर्स और क्यूब्स देखने हैं। जब हमारा प्राइम और कंपोजिट वाला जो लॉजिक है वो फेल हो जाएगा तो हम स्क्वेयर्स और क्यूब्स पे आएंगे। जब हमारा ये भी लॉजिक फेल हो जाएगा तब हम आएंगे लॉजिक्स विद इन नंबर। और मैंने आपको बताया नंबर्स के बीच में जब लॉजिक की बात कर रहे हैं हम, तो लॉजिक क्या होगा, वही लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ होंगे उन नंबर्स के बीच में। यानी कि जैसे हमारे पास ऑप्शन होगा 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन होगा 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 1 2 3 के बीच में लॉजिकल ऑपरेशंस लगाएंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड। और वैसे ही 3 4 5 के बीच में भी सेम लॉजिकल ऑपरेशन लगाएंगे और इनका एक डेफिनेट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। कब, जब हमारे पहले वाले दिए हुए जो लॉजिक्स हैं वो फेल हो जाएंगे, सिर्फ तब। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 69 71 57 और 39 में से हमें ऑड वर्ड आउट निकालना है। तो हम शुरू करेंगे हमारे लॉजिक्स लगाना। सबसे पहला लॉजिक था प्राइम नंबर का, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 69 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ और नंबर्स हैं उनसे डिवाइड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। वैसे ही 57 भी एक कंपोजिट नंबर है और 39 भी एक कंपोजिट नंबर है। एक 71 ही ऐसा नंबर है इनमें जो कि प्राइम है। कैसे, कि 71 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो हमें हमारा ऑड वन आउट मिल गया। हमारा ऑड वन आउट है ऑप्शन बी 71। हमने पहला ही लॉजिक लगाया प्राइम नंबर का और उसी से हमारा आंसर आ गया। अगर हमारा ये प्राइम नंबर वाला लॉजिक फेल हो जाता तो हम अपने नेक्स्ट लॉजिक्स पर जाते हैं, पर हमारे पहले ही लॉजिक से आ गया तो हमें नेक्स्ट लॉजिक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकंड क्वेश्चन आ गया कि हमें ऑड वन आउट बताना है 215 124 342 और 513 में से, ठीक है। तो हम सबसे पहला लॉजिक लगाएंगे इस पे प्राइम नंबर्स का। हमने प्राइम नंबर्स का लॉजिक लगाया तो हमें दिख रहा है कि 215 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 1 और 215 के अलावा भी और नंबर्स हैं जिनसे डिवाइड हो जाता है। वैसे ही 124 भी नहीं है, 342 भी नहीं है, 513 भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं खुद के और 1 के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन से नंबर हुए, ये सब हुए कॉम्पोजिट नंबर। पर हमें सिमिलैरिटी नहीं ढूंढनी है, हमें ऑड वन ढूंढना है। तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक तो कट गया। हम आएंगे नेक्स्ट स्क्वेयर वाले लॉजिक पे। तो हमने देखा कि 215 एग्जैक्ट स्क्वेयर तो नहीं है, पर 15 का स्क्वेयर होता है 225। अगर हम उससे 10 माइनस कर दें तो कहीं ना कहीं 215 जो है 15 के स्क्वेयर के पास है। वही ऑपरेशन लगाएंगे हम नेक्स्ट वाले पे। हमें पता है 12 का स्क्वेयर होता है 144, पर हमें 144 नहीं देखना है, हमें देखना है 124 जो कि होता है 144 से 20 कम। तो हमने 12 के स्क्वेयर से 20 माइनस कर दिया। यानी कि कुछ हद तक हमारा ये पैटर्न बैठ रहा है। अगर हमारा नेक्स्ट लॉजिक जो है -30 पे आ जाता है या फिर उससे नेक्स्ट, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को तो ऑड वन होना ही है, तो अगर कोई भी एक ऑप्शन हमें -30 दे देता है तो हमारा लॉजिक सेट बैठ गया। तो हमारा नेक्स्ट लॉजिक कह रहा है कि 342 क्या होगा, 19 का स्क्वायर होता है 361, पर हमें 361 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 342। जब हम 19 के स्क्वायर से 19 ही माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 342। तो अभी तक हमारा ये वाला जो लग रहा है हमें ऑड वन लग रहा है, क्योंकि हमारे पहले दो जो पैटर्न आए हैं उससे ये अलग आ गया हुआ, काफ़ी अलग आ गया हुआ है। नेक्स्ट आया हमारे पास 513। हमें पता है कि 500 की रेंज में 23 का स्क्वायर होता है 500 एंड
29, तो 513 जो है वो 16 कम है 529 से। अब देखिए हमारा पैटर्न तो टोटली डिस्ट्रॉट हो गया, यानी कि स्क्वेयर्स वाला कंसेप्ट भी गलत हो गया। अब हम आएंगे क्यूब्स के कंसेप्ट पे। तो हमने देखा कि 215 एग्जैक्ट तो नहीं है, पर 6 का क्यूब जो कि होता है 216, उससे एक कम है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आगे के जो तीन ऑप्शंस हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर लें। नेक्स्ट आ गया हमारा 124। हमें पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, अगर हम उससे 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 124 आ जाएगा। तो अब लॉजिक हमारा सेट बैठने लग गया। वैसे ही 343 होता है 7 का क्यूब, पर हमें चाहिए 342, तो 7 के क्यूब से हम 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 342। हमारा पैटर्न डेफिनेटली फॉलो कर गया। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो तो हमें सीधा सीधा ही पता चल गया कि ऑड वन आउट होगा ही होगा। तो हमने एक इस पे भी लॉजिक अप्लाई किया, तो 8 का क्यूब होता है 512, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 513 आएगा। ऊपर के तीन ऑपरेशंस में हम माइनस कर रहे थे, चौथे ऑप्शन में हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारा ऑड वन आउट हमारी नज़रों के सामने है, जो कि है ऑप्शन डी 513। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27, 30, 243, 729, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो हमें दिखा कि ये मल्टीपल है 3 का, अगर ये 1 और इट्सेल्फ के अलावा किसी भी नंबर का मल्टीपल या फिर डिविजिबल बाय वो नंबर होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चारों के चारों हमारे कॉम्पोजिट नंबर निकले और प्राइम नंबर वाला जो हमारा लॉजिक था वो हो गया फेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते थे स्क्वेयर्स पे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 30 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 243 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन डी ही बचा, 729, जो कि 27 का स्क्वायर है। तो हमने जब प्राइम नंबर वाला लॉजिक हटाया और स्क्वायर वाले लॉजिक पर आए तो उसी से हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 729 इकलौता नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और ऑप्शन डी आ गया हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शन यानी कि 248, 313, 327 और 111, इनमें से हमें हमारा ऑड वन आउट देखना है। तो सबसे पहले हम लॉजिक अप्लाई करेंगे प्राइम नंबर का, तो हम देखेंगे कि प्राइम नंबर वाला सीधा सीधा ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर यहाँ पे यानी कि ऑप्शन ए और सी हमें कंपोजिट नंबर नज़र आ रहे हैं, जबकि दो ऑप्शन ऑप्शन बी और डी हमें प्राइम नंबर नज़र आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर वाले से तो हमें हमारा ऑड वन आउट नहीं मिला, तो ये कट गया लॉजिक। सेकंड आते हैं स्क्वेयर्स वाला। 248 एग्जैक्ट स्क्वेयर तो नहीं है, पर वो 16 के स्क्वेयर से 8 कम करोगे तो आपके पास 248 आएगा। ठीक है, 16 का स्क्वेयर होता है 256, उससे 8 कम किए 248 आ गया। नेक्स्ट 313, तो 18 का स्क्वायर विच इज़ 324, उससे हमने 11 माइनस किए, हमारे पास 313 आ गया। तो हमें दिख रहा है कि हमारा लॉजिक जो है सेट नहीं बैठ रहा, पर फिर भी हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑड वन आउट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम थर्ड ऑप्शन पे आके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हम 327 लाने के लिए या तो हम 18 के स्क्वायर में प्लस करें, तब भी हमारी ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगी पैटर्न की, या फिर हम 19 के स्क्वायर में माइनस 34 करें, तब भी हमारी ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमारा स्क्वायर वाला जो है वो लॉजिक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकता। अब हम आएंगे क्यूब्स पे। तो हमें पता है कि क्यूब्स वाला भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 का क्यूब है 125, वो 100 की रेंज में आ जाएगा। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि वो 111 से कुछ ना कुछ पैटर्न बना लेगा। वहीं 7 का क्यूब होता है 343, और 300 की रेंज में हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और सी। तो 7 का क्यूब जो भी पैटर्न बनाएगा वो 313 और 327 दोनों के साथ बनाएगा। वो जैसे ही 313 और 327 के साथ कोई भी एक पैटर्न बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो पैटर्न मैच नहीं करता होगा, तो हमारा ये वाला लॉजिक भी फेल हो जाएगा। अब हम आएंगे सीधा लॉजिक्स विद इन नंबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था विद इन नंबर यानी कि हम लॉजिकल ऑपरेशन इन नंबर्स के आपस में ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया। हमें पता है कि 2 प्लस 4 करेंगे प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। वहीं 3 प्लस 1 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा। 3 प्लस 2 प्लस 7 करेंगे तो 12 आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। कोई पैटर्न नहीं बना। ठीक है, तो लॉजिक विद इन नंबर भी हमारा प्लस वाला फेल हो गया। अब हमारे पास एक लोता लास्ट ऑप्शन मल्टीप्लाई वाला बचता है। अगर ये भी नहीं लगता तो मतलब आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया एक क्वेश्चन पे। तो इस लॉजिक को लगा के देखते हैं।
तो इस लॉजिक को जब हमने लगाया तो हमने देखा कि 2 × 4 होता है 8, और हमें ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है तो हमें 8 यहाँ पर नज़र आ रहा है। वैसे ही 3 × 1 होता है 3, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 × 1 होता है 1, वो भी हमें लास्ट में नज़र आ रहा है। इकलौता सी ही ऑप्शन है जहाँ पे 3 × 2 करने पे जो 6 आता है वो 6 इस 7 से मैच नहीं हो रहा, तो हमारा ऑड वन आउट हमारी नज़रों के सामने है जो कि है ऑप्शन सी। सारे लॉजिक लगा के एंड में एक लॉजिक विद इन नंबर्स वाला मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक इस क्वेश्चन पे आके लगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना यूजली मैं कहूँगा कि क्वेश्चन में स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप ना ना करते भी 1.5 मिनट का वक्त ज़ाया कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है, खुला टाइम है, आप बाकी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तभी ऐसे क्वेश्चंस पे वापस आइए और इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना आपके टाइम को बचा लेगा, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, सब आपके हाथ में है, स्किप करना है नहीं करना है सब आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ एक आपको गाइड कर सकता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7:33, 10:45, 6:29, 13:56। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये कॉलम्स रीजनिंग में आते हैं तो इनका मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसा मैंने आपको पार्ट 2 में भी दिखाया था कि डॉग्स और बिचेस, उनका एक रिलेशनशिप बन रहा था। एक क्वेश्चन था ना जिसमें डॉग्स और बिचेस थे, फिर काऊ और काफ था, उनके बीच में रिलेशन बन रहा था, तो उसमें भी कॉलन ही यूज़ हुआ था। कॉलन जब भी रीजनिंग में आएगा उसका मतलब होगा कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का रिलेशन निकलना है। जब भी मैथ्स में आएगा तो उसका मतलब है कि रेशियो निकलनी है, ठीक है? तो अभी हम रीजनिंग कर रहे हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन निकालना है, तो हम रिलेशन बनाना शुरू करेंगे। 7 के टेबल में 33 नहीं आता, पर किसी ना किसी नंबर के नियरेस्ट तो वो आएगा ही आएगा। तो हमने किया 7 × 4 विच इज़ 28 प्लस 5, या फिर 7 × 5 माइनस 2। देखते हैं इनमें से कौन सा पैटर्न सेट बैठता है। सेम ऑपरेशन हम नेक्स्ट पे भी लगाएंगे, यानी कि 10 × 4 प्लस 5 और 10 × 5 माइनस 5। अब आप देख रहे हो कि इंटू 4 प्लस 5 वाला पैटर्न सेट बैठ रहा है, इंटू 5 वाला पैटर्न सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि एक जगह माइनस 2 आ रहा है, एक जगह माइनस 5 आ रहा है। तो हम इंटू 5 माइनस समथिंग वाला पैटर्न इग्नोर कर देंगे, हम करेंगे काम सिर्फ इंटू 4 प्लस 5 वाले पैटर्न पे। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सी, 6:29। तो 6 × 4 किया हमने, 24 प्लस 5 आ गया 29। तो हमें सीधा सीधा ही पता चल गया कि हमारा ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो ऑड वन होगा। स्टिल आप लोगों की एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इस पे भी ये पैटर्न अप्लाई कर दिया, 13 × 4 विच इज़ 52। उसमें हम जब 4 ऐड करेंगे तो 56 बनेगा। हमारा पैटर्न चल रहा था 5 ऐड करने का, पर इस वाले केस में 4 ही ऐड हुआ, तो हमारा ऑड वन आउट आ गया ऑप्शन डी, 13:56। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको तीन तीन नंबर्स दिए हुए हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसे तीन तीन नंबर दिख रहे हैं, यानी कि हमें उन तीनों नंबर के बीच में एक पैटर्न बनाना है, वही पैटर्न हमें अपने नेक्स्ट के ऑप्शंस में लगाना है, और कोई भी एक ऐसा ऑप्शन जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो आ जाएगा हमारा ऑड वन आउट। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में प्राइम नंबर वाला आप लॉजिक नहीं लगाओगे, क्योंकि वो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ पर लगता है। तो हम लगाते हैं हमारा नेक्स्ट लॉजिक स्क्वेयर्स का। हमें यहाँ पर दो छोटे नंबर दिख रहे हैं और एक बड़ा नंबर दिख रहा है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि हम स्क्वेयर्स लगाते हैं दो छोटे नंबर का और उनमें प्लस माइनस करके उस बड़े नंबर के साथ कोई रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमने लगाया 12 का स्क्वेयर होता है 44, 26 का होता है 676। 676 अब 156 के ऊपर जा रहा है, तो यानी हम एक माइनस का ऑपरेशन लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 676 में से जब हमने 144 माइनस किया, हमारे पास आया 532, और 156 का दूर दूर तक 532 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी तक ये लॉजिक हमारा सेट नहीं बैठा, पर सिर्फ एक ही ऑप्शन के बेस पे हम इस लॉजिक को इग्नोर नहीं कर सकते, क्या पता यही ऑप्शन ऑड वन आउट का ना हो, ठीक है? हम इस ऑप्शन पे ही ये लॉजिक लगाएं और गलत आ जाए तो हम सोचें कि नहीं, यही हमने जो लॉजिक लगाया वही गलत है, और एंड में इसी लॉजिक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना हो और ऑप्शन ए ही ऑड वन आउट हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम वेरीफाई करने के लिए सेम लॉजिक लगाएंगे। 36 का स्क्वेयर होगा 1296, 4 का स्क्वेयर होगा 16, इनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो आएगा 1280, और इसका भी 72 से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि स्क्वेयर्स का लॉजिक नहीं लगना। साथ ही साथ क्यूब्स का भी लॉजिक नहीं लगना, क्योंकि जब आप
36 जैसे नंबर का क्यूब करोगे तो आप क्यूब ही करते रह जाओगे, फिर और कुछ पेपर में नहीं करोगे, ठीक है। तो क्यूब का लॉजिक भी नहीं लगेगा क्योंकि 36 का क्यूब बहुत दूर चला जाएगा, 4 का क्यूब होगा जस्ट 64, जो नंबर आएगा वो बहुत बड़ा नंबर होगा तो 72 का उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये वाला लॉजिक भी फेल होगा। अब आएगा लॉजिक विद इन नंबर। मैंने आपको बताया दो ही हमारे पास लॉजिक्स होते हैं, एक है प्लस का, एक मल्टीप्लीकेशन का। 12 में 26 प्लस करोगे तो 156 के आसपास भी नहीं पहुंचोगे, तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक पे काम करना होगा। जब आप 12 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 312, और आपको पता है कि जो हमारा लास्ट नंबर बचा है 156, उसको जब आप डबल करोगे तब भी 312 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये लॉजिक बैठने लग गया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे भी यही अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन पे ये अप्लाई करके देखा तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सेट बैठने लग गया, क्योंकि सेकंड ऑप्शन पे जब हमने 36 इंटू 4 किया तो 144 आया, वहीं 72 इंटू 2 भी 144 ही होता है, और वही लॉजिक थर्ड में भी सेट बैठा। तो हम फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हमें सीधा सीधा पता चल गया कि हमारे पहले तीन ऑप्शन ने एक पैटर्न फॉलो कर लिया है, तो हमारा चौथा ऑप्शन वो पैटर्न डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा, और हमारा चौथा ऑप्शन ही आ जाएगा ऑड वन आउट। अगर आपके तीन ऑप्शन कोई एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप चौथे ऑप्शन पे सेम पैटर्न लगा के टाइम वेस्ट ना करना, आप सीधा चौथे ऑप्शन को मार्क कर देना कि ये ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑड वन आउट इसका थर्ड पार्ट भी ख़त्म होता है। कल हम आएंगे फोर्थ पार्ट के साथ, जिसमें हम करेंगे ऑड वन आउट बेस्ड ऑन फिगर्स, ठीक है। वो सबसे आसान पार्ट होगा, अभी तक हमने जो तीन पढ़े ये काफ़ी मुश्किल पार्ट थे, जिसमें से आज जो हम पढ़ रहे हैं ये तो सबसे ही ज़्यादा मुश्किल था। इससे ज़्यादा मुश्किल आपको और कुछ नहीं दिखेगा ऑड वन आउट चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।